सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अकिल एंड यू वाचिंग टेक्नो अकिल। सो गाइस, अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और उस वाले पीसी में वीडियो एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं और आपके बजट है 65,000 रुपीज़ तक, तो यार इस वाले वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की इस वाले वीडियो में आपको जो कि है 65,000 रुपीज़ में जो कि फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ गाइस, और जो कि मैं आपको पेरिफेरल्स भी सजेस्ट करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, और जो कि वीडियो को लाइक करें अगर मत जाना गाइस। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेसर हमने यूज़ किया इस वाले पीसी में जो कि आता है एएमडी की तरफ से राइजन 5 3600। सो गाइस बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है गाइस, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है। बेस क्लॉक की बात करूँ तो 3.6 GHz की बेस क्लॉक के साथ आता है और बूस्टर की बात करूँ तो 4.2 GHz की बूस्ट क्लॉक के साथ आता है गाइस ये वाला प्रोसेसर। 35 MB का कैश मेमोरी के साथ आता है गाइस और AM4 सॉकेट के साथ आता है। सो गाइस बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है प्रोसेसर है गाइस। आप जो कि इसके साथ गेमिंग वीडियो एडिटिंग लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली कर पाएंगे आप तीनों टास्क। और प्राइस की बात करूँ तो 15,000 to 15,500 तक आपको इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। अगर आप इस वाले प्रोसेसर को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो गाइस मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है गाइस MSI की तरफ से आने वाला V450M Pro VDH Max। सो गाइस ये जो कि है AMD के राइजन के सारे प्रोसेसर को जो कि सपोर्ट करता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये वाला मदरबोर्ड जो कि AM4 सॉकेट के साथ आता है। 4 DDR4 के आपको जो कि रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं और M.2 NVMe SSD स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाता है गाइस। सो गाइस बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है गाइस। ओवरक्लॉकिंग की बात करूँ तो गाइस आप जो कि रैम को और जो कि प्रोसेसर को आप इस वाले मदरबोर्ड पर बहुत ही ईजिली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 6,000 to 6,600 रुपीज़ की प्राइस है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जो कि वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो गाइस रैम की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में हमने जो कि 8 GB की DDR4 रैम यूज़ की है जो कि आती है कोर्सर की तरफ से Vengeance LPX DDR4 8 GB की रैम। सो गाइस 3000 MHz की रैम आती है। आप जो कि ओवरक्लॉक करते हैं तो 3400 to 3600 MHz तक ये ओवरक्लॉक हो जाती है गाइस। इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो कि इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 3500 रुपीज़ तक इसकी प्राइस है गाइस। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेक उसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइस अभी स्टोरेज की बात करूँ तो गाइस हमने इस वाले पीसी में जो कि है एसएसडी यूज़ किया गया जो कि आपको जो कि आपके टास्क को इजीली परफॉर्म करने में और क्विकली परफॉर्म करने में आपको हेल्प करेगी। ये एसएसडी आती है अर्टा की तरफ से XPG GAMX S5 256 GB की हमने जो कि एक एसएसडी यूज़ की है गाइस जो कि M.2 स्लॉट के साथ आती है। सो गाइस इसमें जो कि आप जो कि आपके विंडोज 1, 2, 3 गेम्स या फिर आपके जो कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस ये जो कि है आपके पीसी को जो कि है लाइफ को बढ़ा देती है गाइस। ये जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक आपके पीसी को स्मूथली रन करने में हेल्प करेगी। प्राइस की बात करूँ तो 4000 to 4500 रुपीज़ के तक इसकी प्राइस है गाइस। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। तो गाइस स्टोरेज की बात करूँ तो आप जो कि हमने इस वाले पीसी में जो कि है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाले 1 TB की ब्लू हार्ड डिस्क यूज़ की है गाइस। सो गाइस 5400 RPM के साथ आती है ये वाली हार्ड डिस्क। प्राइस की बात करूँ तो 3790 रुपीज़ की प्राइस है। परचेस करने देते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जाके परचेस कर सकते हैं। सो गाइस ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि गैलेक्सी तरफ से आने वाला GeForce 1650 Super ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है। सो गाइस बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। अगर आप इस वाले ग्राफिक कार्ड को बैठाते हैं तो आप जो कि ट्रिपल ए टाइटल वाले गेम्स में भी सारे गेम्स में लगभग सारे गेम्स में जो कि 1080p 60 FPS तक गेमिंग कर पाओगे। सारे गेम आप जो कि 60 FPS निकाल लोगे बहुत ही इजीली और वीडियो एडिटिंग आप जो कि आराम से 2K to 4K में भी कर पाओगे। सो गाइस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 1280 कूड़ा कोर के साथ आता है। 4 GB का ग्राफिक कार्ड है गाइस जो GDDR6 वाली VRAM को सपोर्ट करता है। 128 बिट का इसमें मेमोरी बस आपको देखने को मिल जाता है गाइस। और जो कि ये ओवरक्लॉकिंग एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है 1740 MHz की इसकी बूस्ट लगे गाइस और 1755 MHz तक 1 क्लिक में ये जो कि ओवरक्लॉक हो जाता है। सो गाइस ग्राफिक कार्ड की मेमोरी स्पीड की बात करूँ तो 12 GBPS आपको जो कि है पर सेकंड 12 GB जो कि ये मेमोरी स्पीड आपको ये
प्रोवाइड कर देता है गाइस। तो ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करूँ तो 15,000 टू 15,200 तक ग्राफिक कार्ड की प्राइस है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके उसे परचेज कर सकते हैं। सो अभी पावर सप्लाई की बात करूँ तो हमने इसकी यूज़ की है इसमें कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली 5000 वाट की जो कि पावर सप्लाई, हमने 550 वाट की पावर सप्लाई यूज़ की है जो कि आती है 80 प्लस सर्टिफिकेशन के साथ। प्राइस की बात करूँ तो 3500 रुपीज़ की इसकी प्राइस है। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से इस वाले पावर सप्लाई को जो भी जो कि है परचेज कर सकते हैं। सो अगर कैबिनेट की बात करूँ तो गाइस हमने इस वाली पीसी बिल्ड में जो कि एक डिसेंट लेवल का कैबिनेट यूज़ किया है जो कि आता है किप्रॉनिक्स की तरफ से MX1 बिट और गेमिंग कैबिनेट है गाइस। आपको जो कि इसमें LED कंट्रोलिंग बटन मिल जाता है, PSU स्लॉट देखने को मिल जाता है, टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है साइड में, और जो कि बैक में आपको जो कि 120mm का प्री इंस्टॉल लाइट देखने को मिल जाता है। सामने की जो कि सामने तरफ से आपको जो कि डिसेंट सा लुक देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको एक RGB LED स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट है गाइस। प्राइस को देखते हुए हमारा जो कि अभी कैबिनेट के लो बजट प्राइस है गाइस 2,300-400 रुपीज़ तक इसकी प्राइस है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लो लिंक दो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो गाइस अभी पेरिफेरल्स की बात करूँ तो गाइस हमने इस वाली पीसी बिल्ड में जो कि मॉनिटर यूज़ किया गाइस वो आता है LG की तरफ से 24 इंच का गेमिंग मॉनिटर जो कि आपको जो कि 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड कर देता है। साथ में आपको जो कि 75 हर्ट्ज का जो कि रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर देता है गाइस। फुल्ली HD प्लस IPS डिस्प्ले आपको जो कि डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, IPS पैनल देखने को मिल जाता है। पोर्ट्स की बात करूँ तो गाइस एक VGA पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, हेडफोन पोर्ट्स आपको जो कि इस वाले मॉनिटर में देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 9,600 रुपीज़ की प्राइस है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये वाला मॉनिटर जो कि आपको गेमिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। 75 हर्ट्ज़ का आपको जो कि रिफ्रेश रेट मिलता है गाइस, और इस वाले बजट में आपको जो कि कोई और मॉनिटर आपको 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड नहीं करते, आप देखिए मोस्टली इस वाले मॉनिटर को परचेज कीजिएगा। सो गाइस कीबोर्ड माउस और हेडफोन्स की बात करूँ तो गाइस हमने इस वाले पीसी बिल्ड में कॉस्मिक बर्ड का सोलर गेमिंग कॉम्बो यूज़ किया गाइस जो कि आता है 3,010 रुपीज़ का। सो गाइस इसमें आपको जो किया RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाता है मैकेनिकल फील वाला जो कि आता है कॉस्मिक बर्ड की तरफ से CBGK02। सो गाइस बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है गाइस। आपको जो कि 1.8 मीटर की जो कि ये ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है, और RGB लाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको इस वाले कॉम्बो में माउस देखने को मिलता है, वो आता है कॉस्मिक बर्ड की तरफ से न्यूट्रॉन माउस देखने को मिल जाता है जो गाइस जो कि RGB लाइट्स के साथ आता है, और साथ में इसमें आपको 1.5 मीटर की ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है। सो गाइस इसमें आपको जो कि माउस पैड भी देखने को मिल जाता है जो कि RGB LED स्ट्रिप को सपोर्ट करता है साइड में माउस पैड के। सो गाइस ये जो कि है कॉस्मिक बर्ड की तरफ से आने वाला वेलकेनो RGB माउस पैड है गाइस। सो गाइस ये भी आपको जो कि इस वाले कॉम्बो में देखने को मिल जाता है। हेडफोन की बात करूँ तो कॉस्मिक बर्ड की तरफ से आने वाला है GS410 आपको गेमिंग हेडफोन देखने को मिल जाता है जो कि आपको जो कि बहुत ही अच्छी साउंड प्रोवाइड कर देते हैं। सो गाइस यह था फुल सेटअप पीसी बिल्ड का जिसमें कि जो कि आपको इस वाले पीसी से आराम से बहुत ही अच्छी गेमिंग कर पाओगे। साथ में मैंने आपको पेरिफेरल्स भी सजेस्ट किए हैं। टोटल पीसी का बजट हो जाता है 65,000 रुपीज़ आपका, आप में आप जो कि आराम से पीसी बिल्ड कर पाओगे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।